बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। गवाह पत्रकार की अपराधियों ने हत्या कर दी। पूर्णिया में चार आदिवासियों को गोली मारी गई। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई। नीतीश सरकार में गवाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास हुई है, वो कौन है? आरजेडी से जुड़े हुए हैं प्रभुनाथ सिंह। सुशील मोदी का ये बयान है तो आपको बता दें कि लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ती जा रही है बिहार में, और इसे लेकर के सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा है बिहार सरकार पर। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ते जा रही हैं, और आज दिन दहाड़े समस्तीपुर कोर्ट परिसर में जो लोग हैं वो गोली चला देते हैं, और गोली उस वक्त चलती है जब कोर्ट में कार्रवाई हो रही होती है, और ऐसे में पेशी में आए दो लोगों पर गोली चलाई जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सर, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही। नहीं देखिए, केवल आपराधिक घटनाएँ नहीं बढ़ रही हैं बल्कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। ये अररिया के अंदर जो विकास यादव जो पत्रकार जिसकी हत्या हुई, वो भी एक हत्या के मामले में गवाह था, उसके गवाही होने वाली थी उसकी हत्या कर दी गई। पूर्णिया के अंदर चार आदिवासी जो गवाही देने के लिए कोर्ट जा रहे थे पिछले सप्ताह, उन पर भी हमला हुआ, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ। और आज समस्तीपुर में जो घटना घटी वो ये क्या दर्शाता है? और देखिए, प्रभुनाथ सिंह को जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, कौन है प्रभुनाथ सिंह? ये जनता दल यू राजद से जुड़े रहे, और इन पर भी सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी है कि पीपी को मैनेज कर लिया, न्यायपालिका को मैनेज कर लिया, वो हमले कर रहे हैं पुलिस पर। आए दिन अखबार रंगे हुए हैं कि बालू माफिया लोगों ने हमला कर दिया पुलिस पर, शराब माफिया ने हमला कर दिया। तो अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो जाए कि कोई गवाही ना दे सके, ये चिंता का विषय है। और जो समस्तीपुर में आज जो भी कुछ हुआ है ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सर, एक तरफ जहां पर बिहार